वाह, भाई मैं जो है वो लोगों को डांट रहा हूँ और मेरी आवाज निकल नहीं रही। मंसूर, ये सबनेटेड क्यों नहीं है, जवाब दो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्योंकि इसका प्रीफिक्स हमने वो उस पे नहीं, सर ये सबनेटेड है, सॉरी। सवाल पूछने के बाद सबनेटेड हो गई, सवाल पूछने से पहले सबनेटेड नहीं था। तहा मुनीब, मैंने वो गलती से पहले वो टू की जगह जीरो समझ लिया था। तहा मुनीब, तहा सर मैं समझा था कि आप वो 16 वाला पूछ रहे थे जिसका सबनेट 16 था। नहीं, मैंने इसको हाईलाइट किया था ना भाई। सर वो इसके 16, उसके 16 की शायद सिमिलैरिटी हो गई दिमाग के अंदर। अब ये है सबमिटेड जो लिखा हुआ है, क्या आते ये जी जो लिखा हुआ है सर, ये तो सबनेटेड है ना 16 वाले गई। ठीक है, सबसे नहीं किसका मास्क हम यूज करेंगे इस। अरे डायग्राम के रिस्पेक्ट से नहीं पूछ रहा भाई आसिफ, डायग्राम के हिसाब से देखेंगे तो 29 का प्रीफिक्स थोड़ी होगा, फिर तो जो है वो 30 का प्रीफिक्स होगा। नेटवर्क मुझे बनाने हैं, नेटवर्क बनाने हैं तो मुझे 7 नेटवर्क बनाने हैं, तो 3 बिट बोरो करनी पड़ेगी, फिर 24 क्यों लूंगा, फिर तो 19 बिट होगी ना, 16 के बाद 3 बिट बोरो करनी पड़ेगी। अच्छा जी, ये नेटवर्क हमें मिला और इस नेटवर्क को हमने जो है वो इधर कॉन्फ़िगर किया हुआ है, लाइन ड्रॉ कर देते हैं इस जगह पे, राउटर के कॉन्फ़िगर किया हुआ है इस इंटरफेस पे। अब मुझे जो है वो मजीद सबनेट बनाने हैं, जो मजीद सबनेट बनाने हैं उसके लिए जो है वो इन एनवायरनमेंट में मुझे बाकी जो मैंने नेटवर्क बनाए हैं 7 राउटर लगाए इस जगह में मुझे कन्फिगर करना है। तो जब मुझे उधर कन्फिगर करना होगा तो मैं क्या करूँगा, 3 बिट बोरो करनी पड़ेंगी मुझे मजीद। तो जब मैं 3 बिट बोरो करता हूं, मैं लिखता हूं 172.16.0.2.0 और स्लैश करके लिख देते हैं 27। ये 27 लिखा है अब, क्योंकि 3 बिट मैंने मजीद बोरो किए हैं फार्मूले के रिस्पेक्ट से। ये फार्मूला भी लिख देते हैं 2 रेस्ट पावर 3 इक्वल टू 8 नेटवर्क्स, ये फॉर्मूला था। तो
तो हमने 3 bit बोरो कर लिए इस फॉर्मूले के रिस्पेक्ट से, 24 पहले था, 3 bit और बोरो कर लिए। जब 3 bit बोरो किए तो हमारे पास नेटवर्क क्या बनता है, 172.16.2. पहला वाला नेटवर्क क्या बनेगा, 3 bit बोरो किए ना, 24 के बाद 3 bit बोरो किए तो पहला आएगा 128, ऊपर तो 0 था, दूसरा वाला आ गया 128/27। और इसके बाद कौन सा नेटवर्क आएगा, हाँ सबनेटिंग तो है लेकिन जो है वो हम मजीद सबनेटिंग करना चाह रहे हैं ना, हमने नीचे भी देने हैं, जो 7 राउटर नीचे लगाए हैं उन पे भी तो आईपीस देनी है, तो 7 राउटर जो लगाए उन पे जब सबनेटिंग करेंगे तो फिर मुझे जो है वो कितनी बिट बोरो की है, 3 bit बोरो की है, अब 27 के साथ कन्फिगर करना है। अगर पहला वाला नेटवर्क देखेंगे, चलें यूं कर लेते हैं, 1 2 3, 1 2 3 4 5 यूं होगा, नहीं होगा क्या इस तरह से, हेलो इसको फिर हम कहेंगे सबनेट्स। सबनेट्स हो गया क्योंकि हमने जब 3 bit बोरो किए हैं तो ये 3 bit को हमने जो है फोकस किया है, ये रहे 3 bit जो हमने बोरो किए थे, तो पहला 0, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 जी यही होगा, तो पहला 0 उसके बाद फिर जो है 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 5 6 7, टोटल 8 नेटवर्क बन गए। अब अगर इसको डेसिमल में लिखना है तो ये क्या बनेगा, 32, पहला 0 था, दूसरा 32, तीसरा 64, चौथा 96, ऐसे इंक्रीज होता रहेगा और आखिर में 224 आ जाएगा। ये वाला नेटवर्क जो है वो 172.16.2.224, ये सारे के सारे सबनेट बन रहे हैं, लेकिन कौन से सबनेटवर्क बन रहे हैं, तो मैं मजीद भी सबनेटिंग कर सकता हूं, मुझे इस एनवायरनमेंट में जो आखिरी नेटवर्क है उसमें मुझे मजीद जो है सबनेटिंग करनी है। ये आईपी एक डिपार्टमेंट को दे दी गई, अब उस डिपार्टमेंट ने क्या किया, मैनेजमेंट और नॉन मैनेजमेंट स्टाफ को अलग अलग रखना है ग्रुप में, तो अलग अलग ग्रुप में रखेंगे तो मजीद सबनेटिंग हो जाएगी, तो 28 bit का प्रीफिक्स हो जाएगा, और 4 नेटवर्क बनाने 29 bit का प्रीफिक्स हो जाएगा, 8 नेटवर्क बनाने 30 bit का प्रीफिक्स हो जाएगा, मर्जी है। तो जितनी टाइम भी हम सबनेटिंग करना चाहते हैं हम सबनेटिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा VLSM का एनवायरनमेंट है, क्लासलेस है, मेजर नेटवर्क सेम रहेगा, कौन सा 172.16, ये नेटवर्क कॉमन रहेगा, लेकिन आगे सबनेटिंग जो है वो सबनेटिंग भी हो सकती है, आगे सबनेटिंग भी हो सकती है, 10 मरतब आप सबनेटिंग कर सकते हैं, उसमें क्या फर्क पड़ता है, जहां पर मुझे सबनेटिंग की जरूरत है मैं उसको सबनेटिंग कर करके 30 तक जा सकता हूं, मैक्सिमम रेंज 30 हो सकती है। तो इसलिए एक आईपी को देख के आप ये नहीं कह सकते कि ये वन टाइम सबनेटिंग है कि 10 मरतबा सबनेटिंग हुई है, इस आईपी को देखकर आप कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता कि कितनी मरतबा सबनेटिंग इसकी की होगी, लेकिन हम इस
कैलकुलेशन के रिस्पेक्ट से बता रहे हैं कि दो मरतबा सबनेटिंग हुई है, क्योंकि कैलकुलेशन मेरे सामने पड़ी हुई है। पहले 24 के साथ की थी एक मरतबा, फिर 27 के साथ दूसरी मरतबा कर दी, तो सब सबनेटिंग हुई हुई है। चार मरतबा सबनेटिंग हुई है, अगर ये कैलकुलेशन हटा दें तो हमें नहीं पता चलेगा कि ये वन टाइम सबनेटिंग है, दो मरतबा है, तीन मरतबा है, चार मरतबा है, हम नहीं बता सकते। तो जो आईपी आपको मिली है, जो आईएसपी से आपको आईपी मिली है, उसको देखकर आप नहीं बता सकते कि वो छह मरतबा सबनेटिंग हुई हुई है या एक मरतबा हुई हुई है, हमें नहीं पता चल सकता। कोई क्वेश्चन? जी, अब पहली केस स्टडी है जो कंपैटिबिलिटी से रिलेटेड है। अल्हम्दुलिल्लाह, इस एनवायरनमेंट में ये लेफ्ट साइड पे जो राउटर लगा हुआ है लगुना, अब सारे जो है वो सुन ले मेरे सवाल और बारी बारी जवाब देते रहे। आज देखिए, सबनेटिंग जो है वो प्रोटोकॉल से पीछे होता है। पहले जो है वो सबनेटिंग होती है, उसके बाद तो उस एनवायरनमेंट पे फिर आप प्रोटोकॉल सेलेक्ट करते हैं कि मुझे कौन सा प्रोटोकॉल सेट करना है। लेकिन अगर आप जो है वो इस पर कोई भी क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल कन्फिगर कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा मसाइल आ जाएंगे। वो एक सबनेटिंग को नहीं अंडरस्टैंड करता तो दो मरतबा, तीन मरतबा, चार मरतबा की सबनेटिंग को कैसे अंडरस्टैंड करेगा? डिसकंटिग्यूअस प्रॉब्लम बढ़ते जाएंगे। तो हम ये उसी एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं जहां पर वीएलएसएम की सपोर्ट होती है। तो जहां पर जो है वो क्लासलेस एनवायरनमेंट होगा वहां पर हमें कॉन्फ़िगर करना होगा। हाँ जी, पहला मेरा सवाल है मोहम्मद से कि ये रिप वर्जन 1 कॉन्फ़िगर किया हुआ है हमने इस राउटर के ऊपर, और जब हमने रिप 1 कॉन्फ़िगर किया है, हमने कमांड लिखी है इस पर राउटर रिप और वर्जन 1 लिखा है, और जो नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है वो लिख दिया, तो ये कौन से पैकेट भेजेगा और कौन से पैकेट सुन सकता है? ये जो पहले राउटर है लगुना, उसकी बात हो रही है ना सर? मैंने हाईलाइट किया है ना, लगुना बताया मैंने। और ये पैकेट E0 सर, इसको भेजेगा टाओस TAOS को पैकेट्स? भाई इसके दो इंटरफेस हैं, दोनों इंटरफेसेस पर ये रिप 1 के पैकेट भेजेगा कि रिप 2 के पैकेट भी भेज सकता है? पहला सवाल। सर ये सर दोनों के भेज सकते हैं सर। कहाँ लिखा हुआ ऐसा? सही है सर, इसमें लिखा हुआ कि रिप वर्जन 1 के मैसेज सेंड और रिसीव कर सकते हैं सर। ये तो हमने भी पढ़ा था ना, पढ़ के गए थे ना थोड़ी देर पहले। वो का नहीं करेगा सर इसमें रिप वर्जन 2। तो इसलिए जो है वो रिप 1 के पैकेट जाएंगे, रिप 1 के पैकेट रिसीव करेगा। ओके सर, ठीक है। यहाँ पर जो है वो ये एकुमा कौन स्टूडेंट है? आतिका शोएब, आतिका शोएब
आवाज आ रही है आपको मेरी? जी, याकोमा राउटर के ऊपर हमने रिप टू कॉन्फ़िगर किया है, हमने लिखा है राउटर रिप और वर्जन टू और नेटवर्क जो डायरेक्टली कनेक्टेड है वो लिख दिया। तो ये कौन से पैकेट भेजेगा, 1K के 2K या दोनों भेजेगा? बेबी नाश्ता किया है आपने सुबह? तो आवाज तो निकाले ना। दोनों पैकेट भेजेगा? अरे हाँ, सिर्फ रिप टू के भेजेगा, ठीक है। और रिसीव कौन से पैकेट कर सकता है? ये जी, शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, मेहरबानी। नाश्ता कर लें जल्दी से, आवाज तो निकालें थोड़ी सी। हाँ जी, रिप टू के पैकेट सेंड होंगे सिर्फ और सिर्फ, और रिप टू के पैकेट ही रिसीव कर सकता है ये, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेंटर वाले राउटर की, टॉस की, ठीक है जी। सुफियान उस्मान देखें जी, इस राउटर के ऊपर हमने वर्जन 2 कॉन्फ़िगर किया है, तो ये लेगुना पे कौन सा पैकेट भेज सकता है? सिर्फ वर्जन 2 के जी सर। और रिप 1 कौन से पैकेट रिसीव कर सकता है? वो रिसीव नहीं कर सकता, जो सर वर्जन 1 ही है। वर्जन 1 के, तो कॉन्फ्लिक्ट आ गया ना दोनों का जी सर। हाँ जी, टॉस जो है वो ईथरनेट 0 पर वर्जन 2 के सिर्फ पैकेट भेज सकता है, लेकिन रिप 1 जो है वो सिर्फ और सिर्फ वर्जन 1 के पैकेट रिसीव कर सकता है। तो यहाँ पर कन्फ्लिक्ट आ गया ईथरनेट 0 के ऊपर, ओके। बाकी लोग भी सुन रहे हैं, महाजेब क्या कह रही हैं, भेज ही नहीं सकता रिप 2 जो है वो वर्जन 2 के पैकेट भेज सकता है ना? हाँ, मैं भी यही कह रहा हूँ, लेकिन जो है वो लेगुना वर्जन 1 के पैकेट भेज सकता है, तो दोनों में कन्फ्लिक्ट आ गया ना। तो लेगुना जो पैकेट 1 भेज रहा होगा टॉस उसको अंडरस्टैंड कर रहा होगा, और ना ही टॉस जो है वर्जन 2 के पैकेट जो भेज रहा होगा लेगुना उसको अंडरस्टैंड कर रहा होगा, तो ईथरनेट 0 पे कन्फ्लिक्ट आ गया है, ये दोनों अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। फिर बात करते हैं दूसरी तरफ, ईथरनेट 1 की तरफ डिस्कस करते हैं। अदनान यस सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताएं कि ये रिप 2 राउटर है जो इसको हमने कॉन्फ़िगर किया है, तो ईथरनेट 1 पे कौन सा पैकेट भेज सकता है ये? वर्जन 2 की भेजेगा सिर्फ और सिर्फ ना? यस सर। हाँ, और इधर जो है वो सेंडिया जो है वो कॉन्फ़िगर है रिप 2 के साथ, तो ये रिप 2 के पैकेट अंडरस्टैंड कर सकता है, कोई इशू नहीं है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर एक सर्वर लगाया हुआ है जो के नाम पता नहीं क्या है, पोजॉक के नाम से लिखा हुआ, जिस पे वर्जन 1 कॉन्फ़िगर है, ठीक है, बॉटम पे, ठीक है जी। ये वर्जन 1 के पैकेट अंडरस्टैंड कर सकता है, तो वर्जन 1 के पैकेट भेज सकता है, लेकिन ये राउटर जो टॉस कॉन्फ़िगर है ईथरनेट 1 पे सिर्फ वर्जन 2 के पैकेट भेज सकता है, जो इसके पास आएंगे सर्वर के पास, और वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा होगा। और ऐसे ही अगर सर्वर पैकेट भेज रहा होगा तो ये टॉस राउटर जो है वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा होगा, तो ईथरनेट 1 पे भी प्रॉब्लम नजर आ गई। यस सर, ठीक है, तो ईथरनेट 0 पे भी कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है और ईथरनेट 1 पे भी कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ठीक है जी। अब आ गए हैं हाफिज अज़द पे, हाफिज अज़द, अस्जद। हाँ जी, इस एनवायरनमेंट में क्या प्रॉब्लम है जिसको मैंने हाईलाइट किया? सर इसके अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ रिप वर्जन 2 चलेगा, ठीक है। रिप 2 के पैकेट भेज सकता है टोस, और एकोमा जो है रिप 2 के पैकेट अंडरस्टैंड कर सकता है, कोई इश्यू नहीं है,
एकोमा रिप टू के पैकेट भेज सकता है और टोस्ट जो है रिप टू के पैकेट अंडरस्टैंड कर सकता है, यहाँ पर भी कोई मसला नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि इथरनेट टू पे कोई इशू नहीं है। प्रॉब्लम जो आ रहा है वो इथरनेट जीरो पर आ रहा है और इथरनेट वन पे आ रहा है। एक सोल्यूशन इथरनेट जीरो और इथरनेट वन पे मसला आ रहा है। अच्छा, अब एक सोल्यूशन तो वो है जो हमने काम नहीं किया हुआ, मतलब काम तो हमने दोनों ही नहीं किए हुए जो दोनों सोल्यूशन बता रहा हूँ, लेकिन जो पहला सोल्यूशन है वो अभी हम बहुत दूर करेंगे, जो कि रीडिस्ट्रीब्यूशन वाला कॉन्सेप्ट है। हम जो है वो ट्रांसलेट करके भेजें लेगुना से, रीडिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट हम करें, और ऐसे ही जो है टोस से इथरनेट जीरो पर जो है वो ट्रांसलेशन करें, मतलब प्रोटोकॉल ट्रांसलेशन करें, रिप वन से रिप टू में और रिप टू से रिप वन में, इस तरह का कुछ कॉन्सेप्ट करें। लेकिन ये बहुत दूर है अभी, हमारा रीडिस्ट्रीब्यूशन वाला चैप्टर बहुत दूर है अभी, अभी हम यहाँ पर ये काम कर नहीं सकते। लेकिन एक और तरीका भी है, एक कमांड है आईपी रिप सेंड वर्जन की और रिसीव वर्जन की कमांड होती है, जो अगली स्लाइड पर डिस्कस करने जा रहा हूं। दूसरा जो तरीका है वो है आईपी रिप सेंड वर्जन की कमांड और रिसीव वर्जन की कमांड है, इसके थ्रू हम जो है वो कन्फिगर करेंगे इथरनेट जीरो पे और इथरनेट वन पे। तो हम जो है वो इथरनेट जीरो को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने का तरीका हमें आता है इंटरफेस इथरनेट जीरो, और इंटर करके फिर हम जो है जो कमांड लिखेंगे इथरनेट जीरो के लिए स्पेसिफिक होगी। याद है ना, जैसे आईपी एड्रेसेस असाइन करते हैं किसी इंटरफेस पर, तो पहले उस इंटरफेस को सिलेक्ट करते हैं, इंटरफेस इथरनेट जीरो पे करनी है, कब आईपी एड्रेस लिखना है तो फिर इथरनेट जीरो को सिलेक्ट करते हैं। तो इथरनेट जीरो को सिलेक्ट करके फिर हमें लिखना होगा आईपी रिप सेंड वर्जन वन, टोस पे लिख रहा हूं मैं ये कमांड, ये टोस राउटर जो सेंटर वाला राउटर है इस पे कमांड लिख रहा हूं, इंटरफेस इथरनेट जीरो, वहां पे कमांड लिखी है आईपी रिप सेंड वर्जन वन। जब मैं वर्जन वन लिखूंगा तो फिर ट्रांसलेट हो जाएगा पैकेट जो है वो इथरनेट जीरो पे जो जाएगा वो वर्जन वन की फॉर्म में जाएगा, और लिखेंगे आईपी रिप रिसीव वर्जन वन, रिसीव वर्जन वन। तो जब मैं रिसीव वर्जन वन करूंगा तो फिर जो है मैं वर्जन वन जो है वो रिसीव कर सकता हूं, क्योंकि हम कन्फिगर कर रहे हैं इसके ऊपर। यहां पर हम ये भी लिख सकते हैं आईपी रिप रिसीव वर्जन टू, तो जब वो रिसीव वर्जन टू होगा तो टू के पैकेट जो है वो रिसीव कर रहा होगा। तो हमें इथरनेट जीरो सिलेक्ट करना है पहले, उस पर कोड लिखना है, फिर इथरनेट वन सिलेक्ट करना है, उस पर हमने कोड लिखना है। तो देख लें, यहां पर पहला इथरनेट जीरो सिलेक्ट हुआ है और उस पर हमने कोड लिख दिया आईपी रिप सेंड वर्जन वन, आईपी रिप रिसीव वर्जन वन। ये जो सेकंड लाइन लिखी हुई है ये कमांड पहले से लिखी हुई है, या आपने इसको छेड़ना नहीं है, ये तो ये आईपी एड्रेस की कमांड तो पहले लिख चुके हैं ना, तो हमें नई कमांड जो डालनी है इंटरफेस इथरनेट जीरो, और फिर उसके बाद लिखना है आईपी रिप सेंड वर्जन वन, आईपी रिप रिसीव वर्जन वन। तो फिर इथरनेट जीरो के ऊपर अब हम जो है इस लेवल पर हैं कि हम वर्जन वन के पैकेट भी रिसीव कर सकते हैं, वर्जन टू के तो कर ही रहे थे टोस पे, ये कमांड सारी की सारी सेंटर वाले राउटर टोस पे कर रहे हैं, तो इसलिए दोनों जो है वो पैकेट रिसीव हो रहे होंगे, वर्जन वन भी है वर्जन टू भी, कहीं से वर्जन टू आ रहा होगा कहीं से वर्जन वन आ रहा होगा। फिर उसके बाद जो है वो इथरनेट वन पे भी प्रॉब्लम थी, जहां पर एक राउटर और एक सर्वर लगा हुआ है। राउटर तो ठीक है, राउटर का मसला नहीं है, वो वर्जन टू के पैकेट भेज रहा है और वर्जन टू के पैकेट अंडरस्टैंड भी कर रहा है, लेकिन जो है मसला ये है कि यहाँ पर नीचे एक सर्वर लगा हुआ है जो वर्जन वन के पैकेट भेज रहा है और वर्जन वन के पैकेट ही अंडरस्टैंड कर सकता है। तो इसलिए इसको जो है वो कमांड लिखनी पड़ेगी आईपी रिप सेंड वर्जन वन एंड टू, और एक लाइन और भी लिखनी पड़ेगी इसके नीचे आईपी रिप रिसीव वर्जन वन एंड टू। अब
पहली वाली कमांड जो है सर्वर के लिए है कि पैकेट जो जाएगा वो वर्जन 1 की फॉर्म में भी जाएगा, वर्जन 2 की फॉर्म में भी जाएगा, क्योंकि सर्वर को 2 चाहिए, सॉरी सर्वर को 1 चाहिए और राउटर को 2 चाहिए। और इसी तरह से जब रिसीव की कमांड हम लिखेंगे तो सर्वर से जो पैकेट आ रहा होगा वो वर्जन 1 का पैकेट आ रहा होगा, इसको रिसीव करना है, और जो राउटर से पैकेट आ रहा होगा वो वर्जन 2 का पैकेट होगा तो वो भी रिसीव करना है। और जो तीसरा इंटरफेस है, थर्ड इंटरफेस पे कोई मसला नहीं था क्योंकि उधर वर्जन 2 कॉन्फ़िगर था और राउटर पे भी वर्जन 2 कॉन्फ़िगर है, तो इस वजह से यहां पर हमें कोई आईपी रिप की कमांड जो है वो नहीं लिखनी पड़ेगी, सेंड और रिसीव की कमांड नहीं लिखनी पड़ेगी, क्योंकि वो क्योंकि उस राउटर पर वर्जन 2 कॉन्फ़िगर है इसलिए वर्जन 2 के पैकेट भेजेगा, वर्जन 2 के पैकेट रिसीव करेगा। और ऐसे ही फिर जो है हम उसको जो है वो उस पर प्रोटोकॉल कन्फिगर कर देंगे वर्जन 2 का। क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर इस कोड के हवाले से, सर आपको मैसेज किया है मैंने वो पढ़ ले, ट्रांसलेशन के लिए यूज किया जाता है आईपी रिप सेंड एंड रिसीव की कमांड, ट्रांसलेशन कर रहा है वर्जन 1 से वर्जन 2 में, वर्जन 2 से वर्जन 1 में, जिसमें हमें कन्वर्ट करना है उसमें के लिए हम यूज करते हैं। सर जिस तरीके से आपने ईथरनेट 1 के लिए सर्वर के लिए लिखा था आईपी रिप रिसीव वर्जन 1-2, अगर 2-1 कर दें तो इसके अंदर कोई मसला नहीं? हाँ कोई मसला नहीं, इशू सेंड एंड रिसीव की बात हुई है ना, सेंड एंड रिसीव जो है वो दोनों कर रहा है, रिसीव भी 2 और 1 क्या मतलब है, 2 करेगा और 1 करेगा, बात एक ही है, 1 और 2 लिख दें, 2 और 1 लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, ये 2 केस स्टडीज हैं इसमें, वो आप लोग देख लीजिएगा, यूजिंग VLSM यहाँ पर उसी टोपोलॉजी के अंदर 4 राउटर्स लगाए हैं, सब सबनेटिंग हो गई है, यहाँ पर सब सबनेटिंग की है और फिर उसके बाद आगे और इंटरफेसेस लगा दिए, और इंटरफेसेस लगा दिए, तो अगर ये क्लास फुल का एनवायरनमेंट होता तो इसमें डिसकंटिन्यूअस प्रॉब्लम आ जाता, क्योंकि इनडायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स हमें 192.168.50 का नेटवर्क नजर आ रहा है, जिसकी वजह से डिसकंटिन्यूअस प्रॉब्लम आ सकता था अगर कोई क्लासफुल एनवायरनमेंट होता। अगर इस पर क्लासलेस एनवायरनमेंट कॉन्फ़िगर होगा तो फिर हमें कोई सॉल्यूशन देने की जरूरत नहीं है, सिंपल आपने प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करना है, कभी भी जो है वो डिसकंटिन्यूअस प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि हम कहीं पर 27 के साथ कंफिगर कर रहे हैं तो कहीं पर 28 के साथ, कहीं पर 26 के साथ, तो बिट बाय बिट जब चेक करेगा तो डिसकंटिन्यूअस प्रॉब्लम नहीं आएगा। ऑथेंटिकेशन वाली केस स्टडी है, ऑथेंटिकेशन 2 तरह से होती है, प्लेन टेक्स्ट में और इंक्रिप्टेड फॉर्म में, प्लेन जो इंक्रिप्शन की कमांड्स हैं वो देखनी है,
किस तरह से होगा? और मिसकॉन्फिगर्ड VLSM, ये दो केस स्टडीज हैं जो आपने देखनी है। इसमें ये कह रहा है कि राउटर पीसी ए और बी तो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, लेकिन सी पीसी जो है वो रिस्पांस नहीं कर रहा है, हालांकि डायरेक्टली कनेक्टेड है, और कोई फिजिकल कनेक्शन ब्रेक भी नहीं है, उसके बावजूद जो है वो पीसी थ्री जो है वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा। क्या रीजन है उसको देखना होगा। माज आप मीटिंग के बाद रुकिएगा, आप जाइएगा नहीं, यहीं पे डिस्कस करते हैं आपके केस को। अच्छा जी, अटेंडेंस दे दें प्लीज। आज क्या डेट है? 31st है, मिड टर्म की क्लास तो नहीं हुई, उसके बाद आ गया 31st। अच्छा जी, फाइक अहमद एब्सेंट, हुज़ैफा अली भी नहीं है। अच्छा, मोहम्मद इब्रार, यस सर प्रेजेंट। पहले सेशन की, पहले सेशन में मैं लगाऊंगा, अगर आप लोग मौजूद होंगे तो लग जाएगी। मैक्स टाइम 9 बजे, 9 बजे के बाद अगर किसी ने कनेक्ट किया होगा तो नहीं लगाऊंगा। मोहम्मद असजद, प्रेजेंट, प्रेजेंट। ओके, अच्छा जी, उसके बाद है हम्मादुर रहमान, प्रेजेंट सर। मोहम्मद नोमान अली, नोमान अली एब्सेंट। मोहम्मद वासिफ अलीम, प्रेजेंट। अच्छा, आसिफ अली भुट्टो, प्रेजेंट सर। मोइज अली, मोइज एब्सेंट। फरहान अमीन, प्रेजेंट सर। शाहरुख शब्बीर, प्रेजेंट सर। अलीना गौहर, प्रेजेंट। वकार अहमद, वकार, वकार, यासिर मुख्तार, प्रेजेंट सर। मंसूर अशरफ, यस सर। आतिका शुएब, माजुद्दीन, प्रेजेंट सर। ताहा मुनीब, प्रेजेंट सर। तहूर बिन तौफीक, प्रेजेंट सर। रिदा उस्मान, प्रेजेंट। ताहिर हुसैन, प्रेजेंट सर। शिराज चन्ना, फाइक अहमद सिद्दीकी, महजेब शेर, प्रेजेंट सर। याकूब खान, प्रेजेंट सर। सुफियान उस्मान, प्रेजेंट सर। मोहम्मद वसीम, प्रेजेंट सर।
अहम ऐवान प्रेजेंट सर अदनान मुसल प्रेजेंट सर ये दोनों की आवाज एक जैसी लग रही है फहम की और अदनान की क्यों लगता है प्रेजेंट सर नहीं सर अलग अलग है डिस्कनेक्ट कर सकते हैं आप लोग और ये मोइज जो है क्या नाम था माज माजुद्दीन जी बोले नुमान अली कहाँ से प्रेजेंट हो गया नुमान अली अभी तो मैंने तुम्हें दो तीन बार मैंने नाम लिया माइक ऑन करो अपना जब मैं नाम कॉल कर रहा हूँ उस वक्त क्यों नहीं बोल रहे बोले ना बात करें भाई वॉइस आई नहीं है वॉइस कट गई होगी बट मैं क्लास में था सर आप उसमें देख लीजिएगा आपने मुझे खुद अलाउ किया है पहले फर्स्ट सेशन में था दूसरे सेशन में 20 में मैं चला गया था 15 मिनट्स के लिए दरअसल मैं आईडी क्या है आईडी क्या है 8723 चलो ठीक है लग गए प्रेजेंट चलें ओके जी बाकी लोग डिस्कनेक्ट कर दें ये माज का जी बोले माज सर मैंने आपको एक मेल करी है उसके अंदर मुझे ना कीट से परमिशन लेटर चाहिए क्योंकि जो मेरा एफआईपी है वो अल्जाइमर डिजीज पे डिटेक्शन है एमआरआई स्कैन्स तो अभी हमारा जो एक टास्क था पहले जो हमें हमारे एडवाइजर ने दिया था वो था कि न्यूरोफिजिशियन से मिलना बेसिकली ब्रेन की एक बीमारी है जिसमें हम ब्रेन के एमआरआई पर इमेज प्रोसेसिंग के थ्रू काम करेंगे तो उसके लिए सर ने पहले हमें बोला कि आप न्यूरोफिजिशियन से कंसल्ट करें तो हम जब न्यूरोफिजिशियन के पास गए तो उन्होंने हमें ये बोला है कि आप ये काम मेरा नहीं है आप किसी रेडियोलॉजिस्ट के पास जाएं तो जब मैंने जिन्ना हॉस्पिटल में पता करा कि क्या प्रोसीजर होगा मिलने का उन्होंने बोला सर्टेन टाइम तो ले सकते हैं लेकिन हम आपको इस तरह डीप में बिठा के डिस्कशन करने के लिए आपके पास एक परमिशन लेटर होना चाहिए यूनिवर्सिटी का जिसके ऊपर आपने लिखा हुआ यूनिवर्सिटी के लेटर हेड पे के ये स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी के हैं और इनको इजाजत दी हुई है इस चीज पे वर्क करने की आप जाएं कैंपस में कौन सा डिपार्टमेंट है कॉर्पोरेट रिलेशन है फरहान फरद के पास ठीक है जी उसको जाके जो है वो जाके बताएं कि मुझे जो है वो फलां बंदे से मिलना है एफआईपी के हवाले से तो आप हमें लेटर बना के दें तो वो आपको लेटर बना के दे देंगे फिर आप जाकर मिल सकते हैं सर आपको मेल की भी है दरअसल हमने ना तो आप एक बार बस उसको मेल को ना जैसे एक्नॉलेजमेंट के अंदर लाके एक रिटर्न में मेल कर दें ताकि हम उनको दिखा सकें सर फरहान को ठीक है जरा रिमाइंडर ईमेल कर दें उसी को फॉरवर्ड कर दें मुझे दोबारा ताकि वो टॉप पर आ जाए ठीक है सर मैं कर दूं ओके सर थैंक यू ठीक है जी और किसी को भी काम और किसी का कोई इशू है नहीं तो हम क्लास डिस्कनेक्ट कर रहे हैं ओके जी अस्सलाम वालेकुम